हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम और कुछ एमसीक्यू देखेंगे आपके साथ, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें अल्टरनेटिव में से करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। तो वेरियस क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। जो कवर नहीं हो रखा है मैं उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैरेज आउटवर्ड इज ए पार्ट ऑफ, देखो कैरेज इनवर्ड कहाँ बनता है, डायरेक्ट मेटेरियल के कॉस्ट में ऐड होता है। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट। नोशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, देखो नोशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो हो नहीं सकता। नोशनल कॉस्ट यानी अपने खुद की बिल्डिंग का हम रेंट दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड कॉस्ट। Which one of the following is not a cost unit? इसमें से कौन सा cost unit नहीं है? देखो kilowatt तो cost unit है, patient भी cost unit है, 10 mile भी cost unit है। यानी 3 number question का अगर हम B बात करें, credit division हमारा cost unit नहीं हो सकता, ये हमारा क्या हो सकता है, cost center हो सकता है, cost unit नहीं हो सकता। Cost reduction ये already मैंने discuss हो रखा है। Statement showing breakup of the cost ये भी discuss हो रखा है। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म ये भी डिस्कस हो रखा है। विच वन ऑफ द इंक्लूडेड फाइनेंशियल अकाउंट ये भी डिस्कस हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ये भी डिस्कस है। वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड ये भी डिस्कस है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन, ये सब कुछ आपके ने स्टडी मैट से कॉपी किया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। All indirect costs are termed as, ये operate होगा, because indirect material plus indirect labor plus indirect expenses, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, आपका operate बनता है। ठीक, cash quality control होता है, cash control, ये आपको नेम से याद करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, on the basis of relationship which accounting period costs are classified as historical cost and on the basis of relations with accounting period. Accounting period के basis पे cost को किस तरीके से classify किया गया, मैंने आपको बताया था वहाँ पे capital cost and revenue cost में classify किया गया। Cost of staff service, ये जो example of staff service का जो cost है वो किस चीज का example है, तो आपको पता है policy and manage cost, ये सब कुछ आपके book में already discussed है। Which of the following is not a method of costing? इसमें से कौन सा method of costing नहीं है? तो देखो ये process costing, batch costing, operating costing एंड method of costing है, लेकिन direct costing क्या है, हमारा method of costing नहीं है। The written down value of the abandoned plant less its salvage value is called क्या होगा? Written down value, 18 number question का, आप answer बताओ। Sunk cost, बिकॉज ये WW होता है एंड एबेंडन प्लांट लेस द सेल्वेज वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है, इम्प्यूटेड कॉस्ट तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे हमारा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। एवॉइडेबल कॉस्ट में इस कॉस्ट को हम अवॉइड तो कर नहीं सकते, और ये हमारा ऑपोजिटिव कॉस्ट भी नहीं है, तो ये हमारा क्या क्या संक कॉस्ट हो गया। द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर बीपीओ सर्विस कॉल सेंटर। अब देखो बीपीओ सेंटर में क्या होता है, बीपीओ सेंटर में आप कॉस्ट को किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, तो कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल, जितने पर्सन है और जितने अकाउंट हैंडल हुआ उसके अकॉर्डिंग बीपीओ सेक्टर में कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल नोशनल कॉस्ट है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर टर्म एज सेलिंग ओवरहेड का पार्ट बनता है। डायरेक्ट वेजेस 2,05,000 है, ये कैलकुलेशन वाला है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज नोन एज, बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। थोड़ा सा खुद क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी सोचो। कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग। अब देखो क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग एलोकेशन समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करेंट एंड पॉजिटिव कॉस्ट इज नोन एज, अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। 25 का आंसर,
कॉस्ट अकाउंटिंग यार, कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ रहे हो, और देखो जब भी क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग एंड एलोकेशन वर्ड आ जाए, एंड इसके अलावा एक अपॉर्शनमेंट वर्ड भी आ जाएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी का फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश पॉल्यूशन कॉस्ट, पॉल्यूशन कॉस्ट किसका है, कैश 14। कॉस्ट आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में किस तरीके से कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग क्या हो सकता है आपका, किस तरीके से कॉस्ट का एग्जाम्पल, कमिटेड कॉस्ट, पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट, डिस्क्रिप्टिव कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। देखो अगर आप मेरे से पूछो 29 का आंसर, तो 29 का जो आपका आंसर होगा वो कमिटेड कॉस्ट का होगा। कमिटेड कॉस्ट में ये ऑलरेडी इसके लिए आप कमिटमेंट दे चुके हो, आप इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हो के ही रहेगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज देन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बिल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, फिक्स कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, देखो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में किस टाइप की कॉस्टिंग चलती है, तो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बैच प्रोसेस कॉस्टिंग, सॉरी टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इसमें से कौन सा कॉस्टिंग का टेक्निक नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है, बजटिंग टेक्निक है, प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्साइज ड्यूटी किस चीज का एग्जाम्पल है, एक्साइज ड्यूटी आपका एग्जाम्पल है चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लेस कंट्रोल, ये ऑलरेडी डिस्कस है, द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी बता रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी बता रखा है, विच ऑफ द मेथड इज डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ये भी बता रखा है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज ये भी मैंने बता रखा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद से देख सकते हो, बैड डेब्ट्स आर इंक्लूडेड, बैड डेब्ट्स आर इंक्लूडेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड। डायरेक्ट बैड डेब्ट्स कहाँ इंक्लूड हो सकता है, बट देखो बैड डेब्ट्स को हम कॉस्ट अकाउंटेंट में कंसिडर तो करते नहीं है, बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसलिए आपको सेलिंग ओवरहेड आपको लगाना है। बिन रीऑर्डरिंग लेवल, ये रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन है, आप देख लेना। इन दिस सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर, इन दिस सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग, देखो प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जब भी प्राइस इंक्रीज करता है तो प्राइस इंक्रीज करने के समय आपको क्या करना है, फीफो मेथड यूज करना है। फीफो मेथड यूज करने से क्या होगा कि आपके कॉस्ट, ये जब आप एंटर लेवल पे आओगे तो ये सारी चीजें पढ़नी है, बट आपके स्टडी मैट में इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा, फिर भी यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज आर, स्टेटमेंट इज ट्रू, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट इज नहीं, All overhead chargeable with the charge in volume and in the same portion. Prime में packing is the item of prime cost. देखो abnormal, which of the following statement is true? इसमें से कौन सा statement true है हमें ये बताना है। तो primary packing is item of prime cost. देखो primary packing किस लिए किया जाता है, अब जैसे Colgate में, Colgate है toothpaste company बनाती है, तो कॉलगेट को क्या करना पड़ेगा, जब भी कॉलगेट का केमिकल बाहर आता है तो उसको प्राइमरी पैकिंग करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा, आप उसको हाथ में उठा के तो रख नहीं सकते केमिकल को, तो उसमें प्राइमरी पैकिंग कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये कहाँ जाता है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। और सेकेंडरी पैकिंग हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है, जो सेकेंडरी पैकिंग होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट के सेकेंडरी पैकिंग कैसा हो गया, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है मैंने तो आपको दे, जैसे फोन आप परचेज करते हो, फोन को एक बॉक्स में हमने डाल के उसको अच्छे से कलर बॉक्स बना दिया, लुकिंग अच्छा कर दिया बॉक्स की, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होगा एप्रोप्रिएट, आप बताओ, पर फुट, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट आता है ना स्क्वायर फुट में आता है या क्यूबिक फीट में आता है, ठीक है,
वहां हमेशा क्यूबिक फीट स्क्वायर फीट ये चलता है, इसलिए यहाँ पे फुट का ऑप्शन होगा। वहां पे वेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट नहीं चलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक? कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक कौन सा है इसमें से? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें से कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक कौन सा है? अगर आप पूछो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? हमारा कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में कंपेरिजन करते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरियंस एनालिसिस करते हैं और रीजन को फाइंड आउट करते हैं आखिर क्यों हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट आर इंक्लूडेड इन? कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। इन ये ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्राइम? ये ऑलरेडी डिस्कस है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट? ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। तो सारी एमसीक्यू भी मैंने आपकी कवर कंप्लीट कर दी है।